आदाब सत श्रीकाल, दिस इज अदिति एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो मैसेजेस फॉर द डे। रीडिंग में जाने से पहले आई वुड वांट टू विश एवरीवन बोर्न ऑन द 6th ऑफ अगस्त अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आइए देखते हैं कि 6th ऑफ अगस्त हम सबके लिए कैसा होगा। आर्क एंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर द जनवरी कलेक्टेड फॉर द 6th ऑफ अगस्त 2020। ओवरऑल एनर्जी जो है द सन की एनर्जी है, सच अ पॉजिटिव कार्ड, कार्ड फॉर सक्सेस, अबंडेंस, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। प्रेगनेंसी की न्यूज की अगर आप वेट कर रहे हैं तो शायद आपको वो न्यूज मिल सकती है। सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा ये, लेकिन ओवरऑल सक्सेस का दिन है, हैप्पीनेस का दिन है। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको बहुत खुशी मिलेगी, सक्सेस मिलेगा और बहुत सारा प्यार भी मिलेगा। अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक डे, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स रहेंगी। बिजनेस करियर और फाइनेंस में द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। आई थिंक दिस इज अ रिपीट कार्ड अगेन। कार्ड का यू नो यू दो तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप बॉस है तो आपको एडवाइस यही है कि जिस ढंग से आप हर चीज यू नो डिसिप्लिन मैनर में करते हैं, प्लान करते हैं, वैसा ही कंटिन्यू करें। लेकिन आपके जो कलीग्स हैं या आप जो लोग आपके लिए काम करते हैं वो आपको एज अ मेंटर देखते हैं, तो उनके साथ आप बहुत कड़की से ना बिहेव करें, पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करें ताकि वो आपसे सीख सकते हैं। आपके साथ उनका रिलेशनशिप ऐसा हो कि वो आपसे डरे ना। डर का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए है। अगर आप ऐसे एक एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि आपके बॉस हैं या आपके ऐसे लोग हैं जो बहुत डोमिनेटिंग हैं या आपका पावर आपसे लेते हैं, तो कार्ड का एडवाइस यही है कि प्लीज टेक योर पावर बैक। जब हम हमारा पावर लेंगे तो जो आपके आगे वाला इंसान है वो पावरलेस हो जाएगा। तो चीजें जो भी करना है डिसिप्लिन मैनर में करना है, फोकस के साथ करना है एंड इन योर पावर करना है। इन लव एंड रोमांस एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड इन लव एंड रिलेशनशिप। एक प्यार में नई शुरुआत, लॉट ऑफ अट्रैक्शन, लॉट ऑफ मोटिवेशन इन योर लव। बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत हिम्मत के साथ आप ये रिलेशनशिप में जाएंगे। एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन काफी होगा, इंथुजियाज्म बहुत होगा और ऐसा लगेगा कि यू नो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। एक नई शुरुआत है प्यार में और जैसे हम कहते हैं वेरी पैशनेट न्यू बिगनिंग इन लव, वेरी नाइस। एक क्वेश्चन जिसका आप आंसर चाहते हैं, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन एंड लेट सी एंजल्स क्या आंसर देती हैं। आंसर इज इफ यू बिलीव। तो जो भी आपका क्वेश्चन था, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, तो जो आंसर आपको चाहिए है डिवाइन आपको वही आंसर देगा। आपने बस बिलीव करना है और भरोसा रखना है कि जो आप चाहते हैं वैसा ही होगा। फैंटास्टिक। पावर ऑफ सरेंडर से देखते हैं एक मैसेज आपके लिए, जिससे जो है हमारा डे पॉजिटिव हो सकता है। Surrender to inner peace. Cultivate inner peace on a daily basis. In quiet meditative moments, focus on the stillness within and enjoy this inner refuge. Others will feel your good vibes too and your life will flow more easily. तो मैसेज आपको यही है कि थोड़ा सा जो है मेडिटेट करें,
अपनी जो अंदरूनी शांति है उस पे फोकस करें। जब हम मेडिटेट होते हैं, हम काम होते हैं, हम रिलैक्स होते हैं और हमारी जो एनर्जीज और वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी इससे काफी फायदा होता है। ब्यूटिफुल, दिस इज ऑल आई हैव फॉर द 6th of August। एज ऑलवेज प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग। फॉर एवरीवन हु इज हियर टू लिसन टू द मैसेजेस इन इंग्लिश, द ओवरऑल एनर्जी वी हैव इज ऑफ द सन, अ डे फुल ऑफ अबंडेंस, सक्सेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ एंड ऑप्टिमिज्म। इट इज गोइंग टू बी अ हैप्पी डे फॉर यू, गुड पॉजिटिव वाइब्स एंड एनर्जीज ऑल अराउंड। In business, career and finance, we have the Emperor. Card can be read in two ways. If you are the boss, the card, the message for you here is, you know, continue to take your power, continue to be in your power, learn to people look up to you as a mentor. So treat your employees in a very positive, assertive manner. Use your power only where it is needed. If you are in a position where there are people in your workspace who are making you feel powerless, take your power back. Once you take your power back, the other person becomes powerless. Try and do things in a structured, focused and disciplined manner to achieve success. In love and romance, we have the Ace of Wands, which is a passionate new beginning in love. Whatever stage your relationship is in, 6th of August is going to be a day where you are going to, you know, have a new beginning in terms of understanding your partner. A card of, you know, a new beginning with determination, with focus, with renewed energy and passion. So overall, a very good day for love and romance as well. One question for which you need an answer, please ask that question and let's see what the angels have to answer. The answer is if you believe. So if you are, you know, wanting something to work out for you, you know, use the power of positivity, manifest, and if you believe it is meant to be, it will happen. From the power of surrender, you have surrendered to inner peace. That's the message for the 6th of August. Cultivate inner peace on a daily basis. In quiet meditative moments, focus on the stillness within and enjoy this inner refuge. Others will feel your good vibes too, and your life will flow more easily. Time to take a step back, connect with your inner self. You know, once you are calm and you radiate that peace and calmness, people around you are also going to benefit from it. That is all I have for the 6th of August. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. And I will see you in your tomorrow's reading. Thank you.